हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल ए के पी एजुकेशन। आज के इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली के चार रेलवे स्टेशनों के बारे में, दिल्ली छावनी, दिल्ली सायरोला, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के बारे में। तो हम ये जानेंगे इन चारों रेलवे स्टेशनों के बीच कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है और एक दूसरे तक जाने में हमें कितना समय लगता है, ये सब आपको हम एक मैप के माध्यम से बताएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैप में दर्शाया गया है दिल्ली छावनी, दिल्ली सायरोला और नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली को ही दिल्ली जंक्शन नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दिल्ली छावनी से। अगर हम गुड़गांव साइड से आ रहे हैं तो दिल्ली छावनी आता है पहले रेलवे स्टेशन, उसके बाद पटेल नगर, फिर दिल्ली सरायरोला, उसके आगे किशनगंज, फिर यहाँ पर आउटर आता है किशनगंज आउटर, उसके बाद में पुरानी दिल्ली और इस साइड ये नई दिल्ली रह जाता है। तो ट्रेन से आते हैं तो इस रूट से आना पड़ेगा हमें, मतलब ये ट्रेन का ट्रैक बना रखा है इस प्रकार से। अगर ऑटो से आते हैं तो यहाँ पर दिल्ली छावनी से दिल्ली सरायरोला के बीच 12 किलोमीटर की दूरी है और 40 से 50 मिनट लगती हैं। दिल्ली छावनी से अगर पुरानी दिल्ली जाना है तो यहाँ पर हमें 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और 45 से 50 मिनट लगते हैं। दिल्ली छावनी से अगर हम नई दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और 40 से 45 मिनट लगते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली सरायरोला से अगर हमें पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली जाना हो तो कैसे जाएंगे। ऑटो से जाते हैं तो यहाँ पर 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और 20 से 22 मिनट लगेंगी। और दिल्ली सरायरोला से अगर नई दिल्ली जाना है तो हमें 4.5 किलोमीटर ही दूरी तय करनी पड़ेगी, ये मान लो 5 किलोमीटर मान लो, तो यहाँ पर 25 से 30 मिनट लगती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर पुरानी दिल्ली से अगर हमें नई दिल्ली आना हो तो यहाँ पर हमें 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और यहाँ पर 25 से 30 मिनट लगती हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर घूम फिर कर आना पड़ता है, इसलिए ये मैप के हिसाब से बताया गया है। तो गाइज, ये जो आप मोटी मोटी लाइन देख रहे हैं ये रेलवे ट्रैक है। तो यहाँ पर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन और भी आते हैं अगर हम रेलवे ट्रैक के हिसाब से आते हैं, ट्रेन से आते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली छावनी से दिल्ली सरायरोला आते हैं तो यहाँ पर बीच में पटेल नगर आता है, और दिल्ली सरायरोला से अगर हम पुरानी दिल्ली जाते हैं तो यहाँ पर किशनगंज आउटर केबिन, तो इस प्रकार से, और इस साइड ये सब्जी मंडी रह जाता है, तो और यहाँ पर इस साइड ये नई दिल्ली आ जाता है। तो इस प्रकार से ये मैप में मैंने आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।